आरपी कनेरिया जी द्वारा किसानों और भारतीय किसान संघ और मध्य प्रदेश सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार का चला, उस अभियान को धता बताते हुए और किसानों को चतुर बताते हुए किसानों के बारे में और भारतीय किसान संघ के बारे में अनर्गल बयानबाजी की है। उसका हम विरोध के विरोध स्वरूप समाज और शासन प्रशासन में मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई। हमने मांग करी है कि इनके निलंबन की कार्रवाई के पश्चात कृषि विभाग को छोड़कर कोई आईएएस स्तर की इनकी जांच हो तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आएगी जो कृषि विभाग में इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। जैसे कि मृदा हेल्थ कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था, उस समय आपके द्वारा काफ़ी आर्थिक अनियमितताएं की है। भारतीय किसान संघ ने उस समय भी आवाज़ उठाई थी और इन्होंने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों तक पहुंचने थे लेकिन अपने जिले में कहीं भी नहीं पहुंचाए हैं और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहते थे। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो शासन की मंशा है उसके हिसाब से आपको हमें सहयोग देना होगा, हम उस हिसाब से आपको पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमारे ऊपर भी कुछ कसावट है कि यदि कोई अनियमितता कर रहा, सुधार नहीं कर रहा तो हमारी मजबूरी है कार्रवाई करना। तो मैं नहीं चाहता हूँ, अभी आपने पढ़ा होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला, पूरे प्रदेश में जबरदस्त कार्रवाई हुई, FIR हुई, पैसे नष्ट हुए, सस्पेंड हुए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ा, परंतु हमारे ऊपर भी बहुत दबाव, हमने तो एक बहाना भी बनाया कि सर मेरे पास स्टाफ नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, कमियां तो यहाँ भी बहुत मिली, परंतु मैंने अभी भी बहाने पर चलते रहे, सर मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं FIR कैसे करूँ, केस कैसे बनाऊँ, तो ये इस कारण से हम बच गए। अंत हमारे यहाँ भी कुछ लोगों की कार्रवाइयाँ होती तो अब भविष्य में कोई किसी की ऐसी कोई कमी नहीं मिले। और यदि कोई ऐसा काम करता है, कालाबाजारी कर रहा है। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।